सकते हैं कि ये पूरी एक फूड स्ट्रीट है। मुझे तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, वैसे इस शॉप को 55 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया राफे और मुल्तान सीरीज़ हमारी जारी है। और मुल्तान में वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खाने होते हैं, बहुत सी वैरायटी है यहाँ पे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दौलत गेट पे। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी एक फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और बहुत बहुत वैरायटी है यहाँ पे खानों की। लेकिन मैं इस वक्त जिस शॉप पे आई हूँ, यहाँ का जो तवा पीस है चिकन का, वो बहुत फेमस है और मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी, तो मैं यहाँ आई हूँ। और अब देखेंगे, खाएँगे, इसको ट्राई करेंगे कि ये क्या इसमें ऐसी ख़ास बात है और ये इतना स्पेशल है। तो फिर हो जाए। यहाँ पे चिकन मैरिनेट हुई भी रखी हुई है। यहाँ पे जो ये चिकन है तवा पीस, ये फ्राई हो रहा है और इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और जो इस शॉप के ओनर हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना। फैसल इजाज़। अच्छा, आपकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है और बहुत तारीफें सुन के मैं यहाँ आई हूँ। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, वैसे इस शॉप को 55 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी आपसे पहले आपके जो फादर हैं वो करते थे। जबरदस्त। तो फिर मैंने इसकी बड़ी तारीफें सुनी है, तो फिर मैं आज खाऊंगी और ये देखूंगी कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। इंशाल्लाह। थैंक यू। और ये बन रही है यहाँ पे गरम गरम रोटी। तो तवा पीस जो है वो आ चुका है। ये तवा पीस है, इसके साथ में ये हरी मिर्चें हैं, ये भी फ्राई हुई हुई है किसी मसाले के साथ में। इसको टेस्ट करते हैं। वाह, आला, बहुत मज़े का। जो ये फ्राई हुआ है ना, इससे इसका टेस्ट बहुत बहुत चेंज, बहुत चेंज लग रहा है। लश, बहुत मज़े का। इसमें मैं कुछ इन्होंने बड़े मिक्स किस्म के मसाले लगाए जो आप इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है
और नॉर्मली मैंने अभी तक इस तरह का टेस्ट जो है वो नहीं खाया है। ये इसके साथ इन्होंने हरी मिर्चें दी हैं, इसको भी देखते हैं। आला, ये हरी मिर्चें ही बहुत मज़े की हैं। रोटी से भी ट्राई करते हैं। एक चीज़ अगर मैं इसकी बताऊं कि ये फ्राई है और लेकिन ये खाने में इतना ज़्यादा ऑयली फील नहीं हो रहा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी कोई चीज़ खा रहे हैं, तो ये बड़ा परफेक्ट एक इसका जो फ्राई जिस तरीके से किया गया है उसकी बड़ी परफेक्शन है कि मतलब आप देख सकते हैं कि इसके प्लेट के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं गिर रहा है इसमें। ये एक चीज़ जो है ये बहुत डिफरेंट है इसमें। स्पाइस लेवल जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है, ना बहुत ज़्यादा है मतलब ना बहुत कम है, परफेक्ट जो है वो इसका जो स्पाइस लेवल है। और इसके मसाले, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी जो टेस्ट है किसी भी चीज़ का वो बहुत ऊपर नहीं आ रहा, बहुत मिक्स और बहुत बैलेंस जो है वो इसमें मसाले जो हैं वो डाले गए हैं। ज़बरदस्त। अगर आप मुल्तान आए तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत यूनिक और बहुत ही स्पेशल और बहुत मज़े की चीज़ है। और अगर मैं इसको इसकी रैंकिंग करूँ इसको तो मैं दूंगी कि 9 out of 10, इतना तो बनता है। और ये वाकई बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। मुल्तान सीरीज़ जारी है और यहाँ आके मुझे बहुत मज़ा आया और अभी बहुत सारे खाने हैं यहाँ पे जो एक्सप्लोर करने हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए खाने के साथ या फिर किसी नई जगह पर। आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।